अबे कहाँ से बोल रही है? कनेक्ट नहीं क्या ब्लूटूथ? एक मिनट रुको भाई। भाई अब बताना जरा। अब बताना आवाज का जरा। आवाज क्लियर आ रही है? हमारे बच्चे कितने अच्छे आ रहे हैं, इतने भोले बच्चे मिले हैं मेरे को। ठीक है भोले। अरे क्लियर है? ठीक है चल भाई। तो सबसे टेंट के बारे में पढ़ लिया था पिछली क्लास में। कोई बंदा कोशिश कर रहा है हैक करने की। बताइए। नमस्ते अंशिता। अरे हो जा। चलो भाई इधर देखो जरा। आज वाली क्लास में जरा हम समझते हैं इसके बारे में। रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है वो सब ठीक है ना। सुनो भाई, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है वो रिलेशन हमें याद रखना है, और यहाँ से हमारे आगे की चीजें स्टार्ट होती है। किसी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी में कोई कंफ्यूजन हो, करंट में कोई कंफ्यूजन हो? करंट तो समझ गए होगे शायद, है ना? सब तरह की बातें कर लिए करंट के बारे में कि डायरेक्शन किसकी वजह से होती है, किसका फ्लो को करंट बोलते हैं, है ना? ये सब बातें। तो रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक इम्पोर्टेंट रिलेशन है। अब इस रिलेशन में देखना जरा ध्यान से सारे लोग। अब स्टार्ट करूंगा। ये मान लो मेरे पास एक कंडक्टर है, ये सिलेंडर का वायर है ना। अब इस कंडक्टर में मैंने सेल लगा दी, ये सेल है जो वी वोल्ट की है ना। सेल है वी वोल्ट की। ये जो कंडक्टर है इसकी लेंथ मान लो कितना है, पूरी लेंथ एल है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है इसका। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। आपको पता है कि हमारे पास ये जो बड़ा डंडा है पॉजिटिव है हायर पोटेंशियल, छोटा वाला नेगेटिव है लोअर पोटेंशियल। और जो कंडक्टर है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हम ले रहे हैं उसकी फ्लो की डायरेक्शन होगी लोअर पोटेंशियल से हायर, मतलब इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जाते हैं जो हमने पढ़ा है ना। सर आपकी वॉइस क्लियरली नहीं आ रही। कौन नहीं आ रही? अरे आ रही तो बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। एक मिनट बेटा। अरे तो धोखेबाजी होगी मेरे साथ। अरे मिनट। अब बोलना हमारी आवाज। अरे यस सर क्लियर। आवाज आ रही हो? ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट हो जाता है अपने आप से। अब ठीक है चालू करूं? देखिए भाई, लेंथ एल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, और जो सेल है वो वी वोल्ट की सप्लाई दे रही है ना? और आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो लोअर पोटेंशियल से हायर की तरफ जा रहे हैं कंडक्टर में। एक बार और कनेक्शन देख लो। हो गया। अब सुनो भाई, सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे जो इलेक्ट्रॉन्स है अंदर है, पूरे वॉल्यूम के अंदर है। तो हम लोग क्या करेंगे देखना, मैं क्या करूंगा यहाँ से थोड़ा सा वॉल्यूम लेता हूँ, ये ज्यादा ही खिचड़ी होगी, इसमें कम इलेक्ट्रॉन बनाता हूँ। ये देखो इतना सा क्रॉस सेक्शन ले लेता हूं मैं, ये मैंने इतना सा एरिया ले लिया। आपको दिख रहा है दोनों डॉटेड वाला? इतने से एरिया में जो इसकी विड्थ है वो मान लो डीएक्स है। विड्थ कितनी है इसकी? डीएक्स है, ऐसे मान लो। ठीक है, तो इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इसको शेड कर देता हूँ। ये लो ये वाला पार्ट, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालता हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे देखना जरा। कंसीडर,
अ कंडक्टर ऑफ लेंथ एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, ए सेल ऑफ पोटेंशियल V is connected across it, है ना? इसके दोनों तरफ हमने ये बैटरी के कनेक्शन लगा दिए। सबसे पहले आपको याद क्या रखना है, यहाँ पर सारे लोग ध्यान से देखना भाई, हम बात करेंगे यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की। फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ना सिंबॉलिकली N से रिप्रेजेंट करते हैं, ये एनसीईआरटी भी लेती है कोई भी बुक, तो N का मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। ये बराबर होगा हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन में वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन में वॉल्यूम। आपको जो शेडेड वाला पार्ट है वो सबको दिख रहा होगा ना, तो वहां पर मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल देता हूँ। तो स्मॉल एन बराबर कैपिटल एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, जो मैंने शेडेड पार्ट ले रखा है इसका वॉल्यूम हो जाएगा एरिया। तो एरिया कितना है ए, और थिकनेस है इसकी डी एक्स। समझ में आया कुछ? फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एन बराबर नंबर ऑफ अपॉन में वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम ले लिया मैंने ए इंटू में डी एक्स। अरे यार ये बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है यार ये, एक मिनट वाला रुको, अपने अभी देखना वीडियो एक बार झटका मारती है उसके बाद तुरंत हो जाता है। आवाज आएगी आवाज देखू एक सेकंड, अरे आवाज आ रही है निक देखियो आप। वॉल्यूम वॉल्यूम बराबर हो गया कौन से दूर देखो भाई, तो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बराबर होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपॉन में वॉल्यूम। यहां तक बात समझ में आ गई सबको? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैपिटल एन बराबर आ जाएगा एन ए डी एक्स, कैपिटल एन बराबर आ गया स्मॉल एन कैपिटल ए इंटू में डी एक्स, ठीक है। चलिए एंड करंट का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है I बराबर अवे बाई डी क्यू बाई डी टी, आई बराबर डी क्यू बाई डी टी। तो जो डी क्यू चार्ज है, चार्ज को क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू में ई। चार्ज को लिख सकता हूं क्यू बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू में ई, लिखा जा सकता है क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू में कितना, इतना, ठीक है। अब देखना चार्ज कितना है मेरे पास, जो फ्लो कर रहा है वो डी क्यू है, तो मैंने डी क्यू बराबर कितना लिख दिया एन इंटू में ई सुना दिया, ठीक है। तो आई बराबर आ गया डी क्यू की जगह कितना हो गया एन इंटू में कितना ई अपॉन में डी टी। मैं अपनी तरफ से करा रहा हूँ, बुक में थोड़ा अलग है, ठीक है। तो एन की जगह कितना लिख दूंगा मैं बताना, यहाँ पर आई बराबर एन की जगह हो गया स्मॉल एन कैपिटल ए ई साथ में डी एक्स अपॉन में कितना डी टी। आपको याद होगा 11th क्लास में dx by dt हमने पढ़ा हुआ है, dx by dt क्या हो जाएगा यहाँ पर, dx by dt बराबर वेलोसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोल रहे हैं, तो vd लिख दिया मैंने। तो dx by dt बराबर हो गया vd, तो i बराबर आ गया n e a vd, nia vd, n e a vd, nia vd। एन से फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। वीडी मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ए का मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन,
आपको अगर नहीं समझ में आया ना तो मेरे से पूछ लेना भैया ना। ई का मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। ये मेरे पास आई का रिलेशन आ गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, आई इज इक्वल टू निया वीडी। मैंने कुछ नहीं करा, देखो जो मैंने आपको पढ़ाया मैं बिल्कुल उस तरीके से चल रहा हूँ। ये कंडक्टर है, कंडक्टर में मैंने बताया था जब करंट को मेजर करना है मैथमेटिकली तो आप कोई भी क्रॉस सेक्शन ले लो। मैंने ये क्रॉस सेक्शन ले लिया डीएक्स विड्थ वाला। अब इस क्रॉस सेक्शन के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस वाले वॉल्यूम के अंदर? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर हो जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपॉन में वॉल्यूम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया स्मॉल एन इंटू में वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका? ए इंटू में डीएक्स, जो मैंने वहां लिख दिया। अब इसमें से कितना चार्ज फ्लो कर रहा है इस क्रॉस सेक्शन में से? तो मैंने मान लिया डी क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है यहाँ पर, तो डी क्यू बराबर हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू में ई, है ना, ये क्वांटाइजेशन में पढ़ा था हमने। इसके बाद मैंने डी क्यू की वैल्यू रिप्लेस कर दी, कैपिटल एन को ऊपर से रख दिया और डीएक्स बाई डी टी को वीडी लिख दिया, तो आई बराबर आ गया निया वीडी। यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो बता सकते हैं आप लोग। करंट बराबर निया वीडी, करंट बराबर निया वीडी, बोलो सही है क्या? अभी भी नहीं जा रही क्या आवाज? अब तो जा रही है भैया। तो ये हमारा रिलेशन आ गया। जिस बच्चे को ये रिलेशन समझ में नहीं आया तो वो मेरे से पूछ लो, मेरे को दोबारा बताने में कोई दिक्कत नहीं है। आई इज इक्वल टू निया वीडी, शाहिद भाई ठीक है सब? ये रिलेशन इंपोर्टेंट रिलेशन है इस चैप्टर में अभी तक का। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बाद ये सेकंड रिलेशन है जो इंपोर्टेंट है। चलिए भाई मिटा दो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, पेज नंबर 1 हो गया। लीजिए साहब एक बार दोबारा बता देता हूँ भाई, सुनो। पिछली क्लास अटेम्प्ट करी थी नहीं करी थी कोई दिक्कत नहीं है। ये कंडक्टर है, इसमें इतना सा क्रॉस सेक्शन ले लिया, इसकी चौड़ाई कितनी है जो शेड किया हुआ है डीएक्स, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। इस शेडेड पोर्शन में जो मैंने यहाँ शेड किया हुआ है इसके अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे पहले वो निकाल दिया मैंने। उसके लिए क्या याद रखना है? फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन में वॉल्यूम, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक जगह पर नहीं है, पूरे वॉल्यूम में है और मूवेबल है, पूरे कंडक्टर में ही रहेंगे, तो इसलिए वॉल्यूम, ये फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकालनी पड़ेगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन में वॉल्यूम। मैंने इतने से वॉल्यूम का निकाला है तो ये वॉल्यूम कितना हो जाएगा? एरिया इंटू में इसकी थिकनेस। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट कर लिया मैंने। आई का फॉर्मूला डी क्यू बाई डी टी। आई क्या होता है? रेट ऑफ चार्ज फ्लोइंग, जो हमारे पास चार्ज फ्लो कर रहा है उसका रेट, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। तो कैसे निकालते हैं चार्ज? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू में ई, याद करो ये पढ़ाया गया है क्वांटाइजेशन में। तो डी क्यू की जगह एन इंटू ई रख दिया मैंने, एन की जगह ऊपर से वैल्यू रख दी, डीएक्स बाई डी टी को वीडी लिख दिया, आई इज इक्वल टू निया वीडी आ गया। ये 100% एक्यूरेट रिलेशन है। कई बुकों में क्या करते हैं, पूरा वॉल्यूम ले लेते हैं एरिया इंटू लेंथ, फिर वो अपनी तरफ से कुछ भी करते हैं और बच्चों को चिपका देते हैं कि भाई ये वाला याद रखना। मेरा वाला बिल्कुल एक्यूरेट है, साफ कर दू उसको। चलिए भाई बहुत अच्छी बात। अच्छा एक बात बताता हूँ आपको, समझना जरा। आज ये भी मैं प्रूफ कर ही देता हूँ लगे हाथ कि करंट एक स्केलर क्वांटिटी में आता है। वो मैंने बता दिया कि टेंसर बोलते हैं इसको हम, है ना, लेकिन मैंने बोला है दो ऑप्शन है अगर स्केलर और वेक्टर में, तो आप स्केलर पर टिक करें। कुछ बात सिखाता हूँ ध्यान से देखना, आपके कोर्स की एक है ना, पर थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाऊंगा। टॉपिक का नाम है भाई करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी, एंड सिंबॉलिकली इसको रिप्रेजेंट करते हैं जे से। करंट डेंसिटी को सिंबॉलिकली कैपिटल जे से रिप्रेजेंट करते हैं। अब होता क्या है, ये आपको दो बातें बताऊंगा, सबसे पहले समझना। ये मेरे पास कंडक्टर है, ठीक है। अब इस कंडक्टर के अंदर, इस कंडक्टर के अंदर आपको जो याद रखना है, मान लीजिए ये मेरे पास जो क्रॉस सेक्शन है वो तिरछा वाला ले लिया मैंने, क्योंकि तो मैं अगर 12 से ऊपर जाता हूं तो भाई यही हो सकता है। इसमें मैंने एरिया क्रॉस सेक्शन का तिरछा ले लिया, वायर का क्रॉस सेक्शन मैंने तिरछा ले लिया, कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन तिरछा ले लिया, और इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ये करंट फ्लो कर रहा है आई। तो अगर आप देखें यहां पर करंट में और इसके प्लेन में कुछ एंगल बन रहे हैं, तो हम लोगों को क्या याद रखना है इसमें वो समझे। अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, इसका एरिया अगर ए है, ये जो क्रॉस सेक्शन मैंने लिया है तिरछा, ये एरिया कितना है ए। अब मैं समझाता हूं, इसके दो कंपोनेंट कर लो, दो कंपोनेंट कौन कौन से, एक तो ये वाला, ये वाला, ये एंगल कितना हो गया थीटा, ठीक है। हाँ कोई नहीं, तो ये एंगल हो गया थीटा। बच्चों अगर ये ए है,
एरिया ए है, तो ये हो जाएगा हमारे पास कौन सा वाला, देखना ये हमारे पास ए, ये हो जाएगा ए कॉस थीटा, और ये वाला कितना हो जाएगा ए साइन थीटा। मैंने ये वाला कंपोनेंट ले लिया, कौन सा, ए कॉस थीटा वाला, ठीक है। अब ये देखना यहाँ पर जो कंपोनेंट आए हैं इलेक्ट्रिक इसके जो एरिया के, वो कौन कौन से कंपोनेंट आए, एक तो कॉस वाला आएगा, एक साइन वाला आएगा। अब मैं जो यहाँ पर डेफिनेशन में लिखने वाला हूँ ना, उसको ध्यान से देखना और समझना। करंट डेंसिटी जे बराबर होता है करंट अपॉन में एरिया परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ करंट। अब समझो मेरी बात, करंट अपॉन में एरिया, वैसे तो ट्वेल्थ में पढ़ाया जाता है कि करंट डेंसिटी होता है करंट अपॉन में एरिया, लेकिन अगर हम थोड़ा रियलिटी में जाने इसको और थोड़ा सा डीप में पढ़े, तो हमें याद रखना है कि एरिया वो लेना है जो परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट है, मतलब जो करंट की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर वाला एरिया है ना, वो हमें यूज करना है। मतलब ये अगर ये ए है, आपकी करंट की डायरेक्शन ये चल रही है, तो इसका कौन सा कॉम्पोनेंट होगा जो करंट की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, तो आपको दिख रहा होगा ये वाला ए कॉस थीटा। बोलो दिख रहा है क्या, बोलिए भाई। दिख रहा है, तो इसका मतलब करंट डेंसिटी बराबर आ जाएगा जे बराबर करंट की जगह आई, और एरिया कौन सा लेना है मेरे को, ए कॉस थीटा वाला। जे बराबर हो गया आई अपॉन में ए कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए जरा, यहां से अगर मैं इसको और दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करता हूं, तो आई बराबर आ गया जे ए कॉस थीटा, आई बराबर जे ए कॉस थीटा। तो अगर मैं यहां से कॉस थीटा को रिमूव करता हूँ, याद करो डॉट प्रोडक्ट और कॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, तो कॉस हटेगा तो हमेशा डॉट आता है, इसका मतलब जे वेक्टर डॉट में ए वेक्टर, आई बराबर जे वेक्टर डॉट में ए वेक्टर। तो यहां से हमें एक बात स्पष्ट हो गई है कि भाई जो जे है करंट डेंसिटी है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, जो एरिया है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि जो करंट है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी होती है। समझ में आ गया क्या, तो ये एकमात्र रिलेशन है हमारे पास जिससे हम ये बता सकते हैं कि करंट स्केलर है। किसी को कंफ्यूजन है क्या, I बराबर J डॉट A, सबसे पहले मैंने ये प्रूफ करा है। ठीक है, अब सुनो भाई, अगर मैं भाई कुणाल इसको ये वाला एरिया ना लेके मैं ये वाला ले लेता तब क्या होता बताऊं, अगर मैं डायरेक्टली ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया ले लूं और करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ये ए है, तो एंगल कितना हो जाएगा इस वाली सिचुएशन में, ये जो थीटा ये कितना हो जाएगा, हालांकि लेते नॉर्मल के साथ है, लेकिन मैं आपको ऐसे सिखा दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, बताइए भाई सोच के बोलो। नहीं नहीं करंट के साथ नहीं, ये एंगल देखो तो मैंने लिया कहां पर है, ये देखो इस प्लेन के थोड़ा सा कुछ एंगल पे, करंट के साथ मत देखो एंगल, एंगल कहां पर है वो देखो आप पहले, सबसे पहले कौन सा एंगल है, अगर ये यहां से ऐसे की जगह ऐसे हो जाएगा तो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा जीरो हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में कुणाल भाई थीटा जीरो हो जाएगा, तो जे का फॉर्मूला आ गया करंट मतलब आई, और यहां पर ए कॉस थीटा, कॉस की जगह जीरो, कॉस जीरो वन होता है, तो जे बराबर हो गया करंट अपॉन में एरिया, ये हमें ट्वेल्थ में पढ़ाया जाता है, जे बराबर आई बाई ए, क्रॉस सेक्शन ऐसे लिया जाता है, लेकिन अगर तिरछा क्रॉस सेक्शन होगा तो भी परेशान मत होना आप लोग, है ना, तो आपको याद रखना है जे बराबर आई अपॉन में ए कॉस थीटा, तो जे बराबर हो गया आई बाई ए। अब मैं आपसे कुछ बातें पूछता हूँ और ध्यान से सुनना, पहली बात तो ये इसकी यूनिट क्या होगी करंट डेंसिटी की, करंट डेंसिटी की यूनिट क्या होगी, तो भाई ऊपर करंट है नीचे एरिया है, अरे यूनिट स्केलर क्वांटिटी वेक्टर नहीं, तो पे ही हो गया तुम बिल्कुल ही, क्या एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, अरे कुणाल एरिया है नीचे, अच्छा स्केलर है कि वेक्टर है, बोर्ड पे देख के बोलना इस रिलेशन को, कैसी क्वांटिटी है ये, करंट नहीं है, करंट डेंसिटी है, करंट डेंसिटी स्केलर है, ठीक है, तो भाई तो ये वेक्टर क्वांटिटी है ना यार, इसको बदलो अब तुम्हारे बच्चे पढ़ेंगे तब बदलेंगे,
तो भाई देख, करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, मैंने ये दिखाया था तुम्हें मैथमेटिकली, आई बराबर जे वैक्टर डॉट ए वैक्टर, तो जो वैक्टर का डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है ना, तो इसका मतलब जे भी वैक्टर है और एरिया भी वैक्टर है, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है भाई, और दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ही स्केलर होता है जो कि करंट है यहाँ पे, क्या बोलते हो? देख तुम्हें तो प्रूफ करा के करा रहा हूँ, रटा कर रहा हूँ मैं तुम्हें भी, यार लिखो ना, स्केलर का कह रहा है, स्केलर होता है वेक्टर। ऐसे ही पढ़ाता हूँ उल्टा, ताकि बच्चे कुछ सोच सके। भाई ये हो गया यहां तक। अगली बात ये है कि अगर हम इस रिलेशन को और यहां पर लिखें, देखना नोट करके लिख देता हूं, आपको पता है कि आई जे बराबर होता है आई बाई ए, करंट अपॉन में एरिया, जे बराबर आई बाई ए, और आई की जगह होता है निया वी डी, एन ई ए वी डी, और यहां पर ए, ए से ए कैंसिल हो गया तो जे बराबर आ गया एन ई वी डी। ये जे और वी डी के बीच में रिलेशन है, करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन है, ये करंट और एरिया और जे के बीच में है ना, ये आपको एंगल की टर्म्स में दिखा दिया मैंने। यहां तक कोई कंफ्यूजन है क्या करंट डेंसिटी के बारे में? अगर किसी को करंट डेंसिटी नहीं समझ में आया तो अभी भी पूछ लो भाई। करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड, बेटा वेक्टर वेक्टर ही तो आएगा। अबे तू बिल्कुल ही टोपा ही निकल रहा है क्या? बिल्कुल ही मतलब कहां से सुन रहा है भाई? ईयरफोन सही जगह लगा ले मेरे भाई। देख जे एरिया वेक्टर, ये देख जे क्या है यहाँ पर, करंट डेंसिटी, ए क्या है एरिया, जे के ऊपर मैंने वेक्टर लगा भी दिया, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है, मतलब करंट स्केलर में आ गया, जे वेक्टर हो गया, ए वेक्टर हो गया, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर होता है। कुछ ज्यादा पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ क्या मैं? परसों बताया था करंट को टेंसर भी बोलते हैं, स्केलर भी बोलते हैं, कारण भी समझाया था, हर चीज में बिल्कुल ही गोल है क्या डब्बा? पेज नंबर 2, सारे स्क्रीनशॉट ले लो, पूछा करो, अच्छा लगता है यार, कुछ की तो बेइज्जती करके टाइम पास वैसे निकल जाएगा ना, 10-15 मिनट, पूछा करो, साफ कर दूं इसको, डाउट क्लियर होना चाहिए भाई। लड़कियां तो वैसे नहीं घबरा के बोलती कि पूछेंगे तो पहले अपने जो है प्रवचन और देगा, कर दूं साहब? चलो भैया आगे बढ़ जाए, जे का रिलेशन आ गया। चलो एक क्वेश्चन पूछता हूँ, सोच के देना आंसर, ऐसे नहीं टाइम पास के लिए। एक बाल्टी बना देता हूँ, या फिर क्रॉस सेक्शन कैसा भी ले लो, बाल्टी बना देता हूँ। देखो ये वाला क्रॉस सेक्शन है A1 और ये वाला है A2, अगर आपको नहीं दिख रहा तो लिख देता हूँ, A1 इज ग्रेटर देन A2, ठीक है भाई? अब आ जाते हैं कौन कौन कांस्टेंट होगा, सब चीज बता दूंगा इसमें मैं। पहली बात है यहां पर, सबसे पहला तो ये पूछ लेता हूं एरिया, दूसरा करंट, तीसरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, चौथा करंट डेंसिटी। चलो चार चीजें हैं, सबसे पहले तो ये इसका बताओ, ये थोड़ा सा सबसे ज्यादा टफ यही है, दोनों का एरिया सेम है कि अलग अलग है? सबसे टफ क्वेश्चन इसका, बाकी तो समझ में आ जाएंगे, इसमें देखो जरा, दोनों का एरिया सेम कि अलग अलग? दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है कि अलग अलग है? देखो कितना टफ क्वेश्चन है, देखो इसमें, इस बाल्टी में A1 और A2 में से दोनों एरिया सेम है कि अलग अलग है, देख के बताने। हाँ इसलिए दोनों ठीक है। अंशिता अंशिता एक एक करके पढ़ेंगे बेटा, ऐसे नहीं, देख थोड़ा धीरे धीरे, अब तो क्योंकि मैं सोच रहा हूँ ना, जितना आराम से पढ़ा लो उतना सही है, समझ में आना चाहिए। कोर्स में वैसे भी 2 चैप्टर भाग गए, चौथा चैप्टर खत्म होते ही कोर्स ऐसे भागेगा जैसे भाई तो सुपर फास्ट एक्सप्रेस है। चलो एरिया डिफरेंट है, सबको समझ में आ गया होगा, एरिया दोनों का अलग है, ये डिफरेंट है। चलो करंट हमेशा याद रखना, जो करंट होता है वो क्रॉस सेक्शन एरिया पे तो डिपेंड ही नहीं करता, करंट जो होता है वो क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा। तो एक चीज तो सबसे पहले याद रखो कि जो करंट है वो कैसा रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। अगर मेरे पास एक यूनिफॉर्म वायर है
या फिर वो नॉन यूनिफॉर्म वायर है। नॉन यूनिफॉर्म वायर में हर क्रॉस सेक्शन पे जो करंट है वो सेम रहेगा, करंट कांस्टेंट रहेगा। ये बात समझ में आ गई सबको? चलो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी सेम नहीं होगी, ये तो मैं बता देता हूँ, क्योंकि वरना फिर दो बार मेरे को पूछना पड़ेगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी सेम नहीं होगी, ये तो मैं बता रहा हूँ, बस आप ये बताओ कहां पर ज्यादा होगी, A1 पे कि A2 पे, ज्यादा कहां पर होगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी? ये मैंने बता दिया कि सेम नहीं है, करंट सेम है ओनली। कहां पर ज्यादा होगी, A1 पे रफ्तार ज्यादा होगी या A2 पे? देखो ये A1 है, छोटा वाला A2 है, सोच के आंसर दो, आराम से आंसर दो। A1 और A2 में कहां पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगी? A1 पे, और वो भी शायद। कुछ और भी बच्चे बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है कोई सजा मिलेगी उन्हें, कुछ भी नहीं है भाई, कोई पेनल्टी नहीं है ना बोलने पर। तो प्लीज अपना जो है ना वो क्या बोलते हैं उसको, ओपिनियन, या फिर बोल सकते नहीं, भेजो इधर A2 पे। चलो अब मैं थोड़ा सा, तुम्हें शायद कुछ याद है, तुम तुरंत आंसर बता दोगे। वो याद है तुम्हें पानी का फ्लो पाइप में? अंशिता सोच, अगर मैं पाइप को दबा देता हूँ तो वहां पर पानी की रफ्तार क्या होती है? अगर मैं पाइप को दबा देता हूँ तो पानी की रफ्तार क्या हो जाती है वहां पर? ज्यादा, ज्यादा हो जाती है। चलो तो वैसे ही सोचो इसके लिए, अब वैसे ही सोचो, जहां पर एरिया कम वहां पर वेलोसिटी, जहां पर एरिया कम वहां पर वेलोसिटी ज्यादा होती है ना? सीधी सी बात याद रखोगे मेरी ये वाली बात? तो वेलोसिटी जो होगी सेकंड वाले की ज्यादा है। बेटा ये माइक बंद कर लो। V2 इज ग्रेटर देन V1, क्या रीजन समझ में आ गया सबको? क्या रीजन समझ में आ गया? जहां पर एरिया कम होगा वहां पर वेलोसिटी ज्यादा होगी। आप इसको वाटर के फ्लो की तरह ही मानकर चले। चलो करंट डेंसिटी सेम रहेगी कि अलग? करंट डेंसिटी सेम कि अलग? करंट डेंसिटी सेम कि अलग? चलो टाइम वेस्ट नहीं कर दे, तो सेम रहेगी। चलो बहुत ही बढ़िया। करंट डेंसिटी जे बराबर होता है I/A, I/A। चलो मेरी भी सुन लो ना, जे बराबर I/A। सूरज भाई, करंट कांस्टेंट है तो जे का तो ए से इनवर्स रिलेशन है भाई, और ये रिश्ता क्या कहलाता है? इनवर्स रिलेशन। जे का तो ए से उल्टा रिलेशन है, तो जहां पर एरिया कम होगा वहां पर करंट डेंसिटी ज्यादा होगी, जहां पर एरिया कम होगा वहां पर करंट डेंसिटी ज्यादा होगी। समझ में आया कुछ? अब इसके अंदर घुसने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, जितना पूछा जाएगा वो लिख देना, और मेरे को ना जरूरत है आपको ये समझाने की। जब समझदार हो जाओगे ना, पढ़ने लोगे तो खुद रीजन ढूंढ लोगे। करंट कांस्टेंट रहेगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, करंट डेंसिटी चेंज हो जाएगी। क्लियर है क्या सबको? तो ये चार में से आपके पास, मतलब चारों आते हैं, पूछता है इन चारों में से कौन सेम रहेगा, या फिर अगर क्वेश्चन और चेंज कर ले, एक नॉन यूनिफॉर्म वायर है, क्रॉस सेक्शन एरिया ये है, तो बताओ ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहां पर ज्यादा होगी, वो भी पता चल गया। जहां पर एरिया कम होगी, करंट डेंसिटी और एरिया का रिलेशन इनवर्स रिलेशन होता है, जहां पर एरिया ज्यादा होगा वहां पर करंट डेंसिटी कम होगी। क्लियर है क्या ये बात? आता है कंपटीशन में, ऐसे थोड़ी ना टाइम पास कर रहा हूं। क्लियर है सबको? चलो आगे बढ़ता हूं, सुनो एक बात सुनना, इसको बोलते हैं हम, ध्यान से देखना, प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का प्रूफ करेंगे। यहां पर कुछ बातें अभी से एज्यूम कर लेंगे, उसके बाद फिर बाद में उसे पढ़ना भी है, क्योंकि आपने 10th क्लास पास आउट हो तो आपको पता होगा कुछ बातें जो मैं यहां पर लिखूंगा आगे चल के। करंट प्रूफ करना है ओम्स लॉ को। आपको याद होगा, यहां से चालू करेंगे, आई इज इक्वल टू निया वी डी होता है। यहां पर जो हम वेरिएबल यूज कर रहे हैं, ये आई बराबर कितना है? निया वी डी। क्लियर है याद रखो? और VD इज इक्वल टू होता है, याद करो, VD इज इक्वल टू EE टाउ बाई एम। टाउ का मतलब, अनिक भाई यहाँ पर टाउ का मतलब टॉर्क नहीं होता, टाउ का मतलब रिलैक्सेशन टाइम होता है, एम का मतलब मास ऑफ कंडक्टर नहीं होता, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ई का मतलब एलिफेंट नहीं होता, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। समझ रहे हो क्या?
जल्दी जल्दी बोल दिया करो, अच्छा लगेगा। बोलो भाई। चलिए भाई, तो पूरी बातें प्रूव करूंगा, देखना ध्यान से। एक्चुअली में जब हम पढ़ते हैं ना ओम्स लॉ, तो उसमें जो बातें लिखी जाती है उसका असली बात तो यहां से सीखने को मिलती है। तो वीडी की जगह ई टाउ बाई एम, अगर मैं इसको और सॉल्व करता हूँ, सिंप्लीफाई करता हूँ, तो एनी स्क्वायर ए टाउ बाई एम आ जाएगा। यही आएगा क्या? एनी स्क्वायर ए टाउ बाई कितना? एम। अब आपको याद होगा जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस के रिलेशन की, तो मैं यहां पर लिख देता हूँ, डायग्राम बना देता हूँ, तो आपको शायद और क्लियर हो जाए। ये अपना कंडक्टर है जिसकी लेंथ है एल, एक सेल लगाई गई है, उस सेल का पोटेंशियल है वी वोल्ट का, ये वी वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस देगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है यहाँ पे। तो याद करो हमने पढ़ा था वी इज इक्वल टू ई डी, लेकिन यहाँ पर डी की जगह हम एल यूज करेंगे। जब मैंने आपको कैपेसिटर में पढ़ाया था तो वी इज इक्वल टू ई डी एक रिलेशन लिखाया था, तो यहाँ पर डी की जगह कितना हो जाएगा? एल हो जाएगा। तो ई की जगह कितना आ गया बताओ? ये आई एज इट इज एन स्क्वायर ए टाओ, यहां पर आ जाएगा वी अपॉन में एम एल। अब जो V है ना, V को छोड़ दो और बाकी सबको I के पास ले जाओ, V को छोड़कर बाकी सबको I के पास ले जाओ, तो कुछ ऐसे दिखेगा, V बराबर एम एल आई अपॉन में एन स्क्वायर ए टाउ, एन स्क्वायर ए टाउ। बोलो दिख गया सबको ये? जल्दी बोलें भाई। चलिए भाई, देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, लेंथ ऑफ कंडक्टर कांस्टेंट है, ई की वैल्यू कांस्टेंट है, एन फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है इलेक्ट्रॉन पे, और जो कंडक्टर होता है रूम टेम्परेचर पर भी फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। अगर आप उसका टेम्परेचर चेंज करते हो तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे फर्क तो पड़ेगा, लेकिन सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आएगा। इस वजह से आप एक चीज और बोल सकते हैं, देखना दो चीजें यहां समझाऊंगा। अब हमारे पास जो n होता है, देखो m तो सेम है, कंडक्टर की लेंथ भी सेम है, e सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डायमेंशन में आएगा वो भी कांस्टेंट रख सकता हूँ मैं, बचा कौन? i, n और tau। n डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पे, अगर सेमी कंडक्टर होता है तो उसमें n की वैल्यू अलग होती है, कंडक्टर्स में n की वैल्यू अलग होती है, अर्थात फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। एंड tau जो कि रिलैक्सेशन टाइम है, याद करो लास्ट क्लास का लास्ट टॉपिक था, पढ़ाया गया था कि रिलैक्सेशन टाइम जो होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। मैंने समझाया था अगर बप्पन भाई की जो है ना रफ्तार बढ़ा दी जाए बाजार में, है ना, जो एग्जाम्पल लिया था हमने, तो क्या होगा? बप्पन भाई जल्दी जल्दी टकराएंगे जिससे रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा। तो इसका मतलब एन जो है नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, एंड जो टाओ है जो कि रिलैक्सेशन टाइम है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर मैं किसी कंडक्टर की लेंथ, किसी कंडक्टर का एरिया और उसका टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रख दूं, तो ये सारी चीजें जो है मेरे पास ये कांस्टेंट हो जाएंगी। यहां पर इसको मान लिया गया, इस कांस्टेंट को, एम तो कांस्टेंट है ही, एल भी कांस्टेंट है, एन भी, ई भी, ए भी, टाउ भी, क्योंकि मैंने टेम्परेचर कांस्टेंट करा हुआ है, तो एम एल अपॉन में एन स्क्वायर ए टाउ जो है वो कांस्टेंट वैल्यू आ गई, जिसको हम आर बोलते हैं। तो वी इज इक्वल टू आ गया आई आर, वेयर आर एक कांस्टेंट है, और ये आर तब तक कांस्टेंट रहेगा जब तक आप लोग ये सारी वैल्यूज, एम तो छोड़ दो, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ई भी छोड़ दो, एल ए टाओ एन ये सब सेम रखोगे, इसलिए वहां पर कंडीशन लिखी जाती है ओम्स लॉ में कि ये चीज कांस्टेंट होनी चाहिए। तो वी इज इक्वल टू आई आर, क्योंकि आर कांस्टेंट है, तो मैं यहां से ऐसे लिख देता हूँ फिलहाल, वी प्रोपोर्शनल टू हो गया आई, वी प्रोपोर्शनल टू आ गया आई के, ये हमारे पास ओम्स लॉ हो गया। बोलो सही है क्या? वी प्रोपोर्शनल टू आई आ गया, ये ओम्स लॉ हो गया। ये तभी वैलिड होगा जब हम टेम्परेचर कांस्टेंट करेंगे, अगर टेम्परेचर बदलेगा तो टाउ बदलेगा, टाउ बदलेगा तो आर बदलेगा, आर बदलेगा तो वी बाई आई का रेशियो कांस्टेंट नहीं आता। मतलब एक्चुअल में देखा जाए तो वी बाई आई जो है, जो कि आर के बराबर है, वो एक कांस्टेंट है, मतलब रेशियो ऑफ वी बाई आई इज इक्वल टू कांस्टेंट, वी बाई आई का जो रेशियो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। लेकिन अगर मैं टेम्परेचर चेंज कराता हूँ इस कंडक्टर का, तो इसका आर चेंज होने लगता है, मतलब वी बाई आई का रेशियो कांस्टेंट नहीं रहेगा, तो फिर ये ओम्स लॉ वहां पर वैलिड नहीं होगा।
अरे मेरी बात समझ में आ रही है क्या? ओम्स लॉ लिखा नहीं रहा, मैं केवल प्रूफ करा रहा हूँ। सब चीजें अभी पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस वगैरह ये सब चीजें। भाई ओम्स लॉ के प्रूफ में कोई दिक्कत है तो बताएं जल्दी से। कोई भी बच्चा जिसको 1% भी कहीं डाउट आ रहा है ना, वो पूछ सकता है। मैंने कोई भी नया एलिमेंट इसमें यूज करा नहीं है अभी तक, पर अब करूंगा। रेजिस्टेंस पढ़ाऊंगा क्या होता है रेजिस्टेंस, है ना? अच्छा ये समझ में आ गया।